कि बच्चा खुद अपना कंप्यूटर खोले और खुद क्लासेस अटेंड की. एंड आई सॉ देयर यू नो उन्होंने बोर्ड लगाए हुए थे अपने क्लासेस में, दे गॉट अ स्टैंड घर के दरवाजे को, ऑल द चिल्ड्रन हियर हु आर प्रेजेंट. ने फोन अपने बच्चों को दिए, उन पेरेंट्स का जिन्होंने अब दूसरे टेलीफोन से काम कर लिए. बहुत सी सैक्रिफाइसेस हुई हैं, अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस हैव बीन डन. आई वांट टू से थैंक्स टू ऑल द पेरेंट्स, आई वांट टू से थैंक्स टू ऑल द स्टूडेंट्स, एंड अबव ऑल आई वांट टू से थैंक्स टू ऑल द टीचर्स. अब इमेजिन कीजिए कि एक टीचर घर में है, मुश्किल होता है. सो आई वांट टू थैंक ऑल द टीचर्स, आई वांट टू थैंक ऑल द पेरेंट्स, एंड अबव ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्पेशल कोविड बैच, द बैच ऑफ 2021. सो थैंक यू सो मच. एंड आई वुड लाइक टू आस्क आदित्य सर टू टेक. ये सारे मेडल आपने जीते हैं जी? कई सालों में ये, मैं क्लास 8 से यहाँ भगवानपुर में हूँ, तो ज़्यादातर ये भगवानपुर के हैं. ये पिछले स्कूल की ट्रॉफी है, भगवानपुर में ही ज़्यादातर मैंने जीता. आपकी हॉबीज़ ज़्यादातर क्या हैं? हॉबीज़ तो वैसे तो पहले तो काफ़ी अलग थी, क्योंकि मुझे अचानक से जो ना ये 10th 11th वाला जो टाइम था, अचानक से मुझे बहुत ज़्यादा शौक पड़ गया, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में, देख लीजिए सर्टिफिकेट्स. तो उसके बाद फिर लॉकडाउन आ गया, तो उसमें भी लेकिन जीतता रहा. हॉबीज आपके जैसे और भी काशी के बच्चे आगे बढ़ें, उनके लिए कुछ बोलेंगे? उनके लिए बस मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे बच्चे होते हैं कि किसी कोई खेल में आगे है, कोई पढ़ाई पे आगे है, तो क्या उनको जो उन्हें पसंद है वही करना चाहिए, ऐसा कुछ है? मेरा मानना है कि इंसान को सबसे पहले अपने आप को जानना चाहिए कि क्या क्या उसके अंदर पोटेंशियल है, क्या क्या उसकी खूबियाँ हैं, और उसके बाद उसे देखना चाहिए कि उसे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं. और जब भी जो भी अपॉर्चुनिटी मिले उसका हमेशा फ़ायदा उठाना चाहिए. खेल में आगे ज़रूर जाए, कोई भी काम करेंगे आप, कभी ना कभी आपको ज़िंदगी में फ़ायदा दे ही देगा. आपको कभी भी आपकी बहन राइटर है इंग्लिश में और मम्मी भी आपकी राइटर हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके लिए आप? देखिए मेरी मम्मी तो आपकी माम क्या लिखती हैं, हिंदी लिखती हैं, इंग्लिश लिखती हैं कि उर्दू लिखती हैं? कई सालों से लिखती आ रही हैं, और अभी रिसेंटली उन्होंने इंग्लिश भी शुरू किया है. और बहन? और बहन तो इंग्लिश लिख रही हैं, वो लिख रही हैं, और तो उनका भी बात ही है इंग्लिश राइटर. उन्हें आगे बढ़ाना चाहेंगे आप? बिल्कुल बढ़ाना चाहेंगे उनको, तो बल्कि वो खुद पढ़ रही हैं, वो तो खुद ही अपना सब कर रही हैं. हम तो हमसे जो भी बन सका हम हमेशा उनका सपोर्ट करेंगे. आप अपना परिचय दें. हेलो, मेरा नाम अरी बस्कर है, मैं संबीन भगवानपुर से पढ़ा हूँ क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक. अभी मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स में क्लास 12 के, और उनमें मेरा 98.4% आया है. और साथ ही साथ मुझे जेईई मेंस क्लियर करना था, इसलिए मैंने क्लास 11th और 12th में JRS ट्यूटोरियल्स से कोचिंग भी की है. और JRS ट्यूटोरियल्स में मैंने 11th में जो एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें मुझे स्कॉलरशिप एग्ज़ाम था वो, तो उसमें मुझे B35 स्कॉलरशिप मिली, जिसके तहत मुझे पूरी स्कूल की फ़ीस और पूरी कोचिंग 2 साल की माफ़ हो गई. सो रजिस्ट्रेशन फ़ीस के अलावा मुझे और कुछ नहीं देना पड़ा. आपने इतने ज़्यादा मार्क्स लाए हैं, इसके लिए आपने क्या तैयारी की, वो भी इस लॉकडाउन में जब ना स्कूल खुला था ना टीचर्स थे, सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप में ही पढ़ाई करनी थी? सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप में कहा जा सकता, क्योंकि सबसे बड़ा सपोर्ट मेरा इस टाइम मेरा स्कूल और टीचर्स है, क्योंकि सिर्फ शुरू से ही मेरे स्कूल ने अप्रैल में ही शुरू करवा दिया था ऑनलाइन क्लासेस, और बहुत अच्छी तरह उन्होंने, ये बिल्कुल नया था, हम कोई भी तो एक्सपीरियंस था ही नहीं हमें, और उसमें मेरे स्कूल ने बहुत सपोर्ट किया, और उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से हम बहुत अच्छा ऑर्डर मेंटेन कर लें यहाँ पे. और ये जुलाई को तो ये ऑर्डर मेंटेन हो गया, जब हमने गूगल मीट पे क्लासेस शुरू की, बाकायदा सारी क्लासेस शुरू होती गई, फिर अटेंडेंस वगैरह भी प्रॉपर लेने लगे सब लोग, और तब से बहुत अच्छे से हुआ. और मैं अपने टीचर फिर भी स्कूल में और घर में पढ़ाई करने में क्या दिक्कतें आपको? बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क है वैसे तो, क्योंकि अभी तो हम बिल्कुल नए हैं इसके लिए. मान लीजिए हम 2 साल पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम कम्फर्टेबल होंगे, उससे पहले नहीं हो सकते, ये मेरा मानना है. अभी सुनने में आ रहा है फिर से तीसरा स्टेज आएगा. अगर जो बच्चे आपसे जूनियर हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह वो पढ़ाई करें और
क्या मोटिवेट करेंगे उनको, क्या कहेंगे? उनके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि वो किसी भी तरह से मायूस ना हो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि क्या होगा, क्या करेंगे, ये सवाल परेशान करते हो, और इससे बचने के लिए हम किसी ना किसी दूसरी एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन पाल लेते हैं अपने लिए, और मोबाइल अपने हाथ में होता है, मोबाइल में तो दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शन मिल जाते हैं हमें, और इन सब से बचें और अपने टीचर्स की बात मानें, टीचर्स हमेशा भला कहते हैं, मेरे टीचर्स ने तो हमेशा भला चाहा है। इतने सारे मार्क्स आपके आए, इतने अच्छे नंबर से आप पास हुए, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किसका धन्यवाद करना चाहेंगे? पहले तो मैंने टीचर्स का धन्यवाद किया, स्कूल का भी करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा ऑर्डर मेंटेन किया कि पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं हुई, प्री बोर्ड भी करवाते रहे तो अच्छा ही लगा मुझे, और उसके बाद मुझे अपने पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा थैंक यू करने की ज़रूरत है। महीने पे मेरी स्टोरीज आती रहती है बुक्स में। एंड आपके बेटे इतने अच्छे मार्क्स लाए, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, मार्क्स इनके इतने अच्छे हैं उस पर तो मुझे बहुत ही फख्र हुआ है, बिकॉज जितनी मेहनत इन्होंने की थी उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा, मैं प्रे करती थी कि इनका मार्क्स बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा करते थे कि कम से कम 99 आए, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि इनका 98.4 आया है, इस पर भी हम लोग बहुत खुश हैं। और जितनी मेहनत लेकिन इन्होंने की थी उस हिसाब से तो इनका मार्क्स आया है, ये 3 साल का पूरा मर्ज करके पूरा 3 साल का निकाला गया है, एक तरह से एवरेज है, तो 3 सालों में इन्होंने जितनी मेहनत की थी वो सारा उसका हम लोगों को गिफ्ट मिला है इधर।